another question. What it says, y is equal to cos x cube into sine square x to the power 4. NCERT question है, कोई heavy question इधर उधर से नहीं, but mind my words, these kind of questions actually prepare you to understand derivatives. अगर आपने basics सीखने हैं ना derivatives के, तो ऐसे questions आपको तैयार करते हैं. अगर अजीज मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस question में क्या apply करना, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे? अब देखो ये मेरा एक तरह से U है और ये मेरा V है. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? इफ Y इज इक्वल टू U इंटू V तो Y डैश क्या होगा? U इंटू V डैश प्लस V इंटू U. तो आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि मेरा dy dx जो बना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बोलिए इंटू, अब मैं जानबूझ के एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन को देखना कैसे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इज दैट ओके बेटा? हाँ जी, ये तो एज इट इज लिख देना गुरप्रीत. कॉस एक्स की पावर 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव इसी का क्या होगा? वेरी गुड, अभी सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा. याद रखो अब थोड़े हम प्लस 2 में हो गए हैं, हमें हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं है. साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा, तो मैं यहां लिखूंगा साइन ऑफ बेटे ये तो एज इट इज आ गया ना यार थैंक यू. अब आ जाओ इधर, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2xy बोलो. हाँ जी, ये समझ आ गया ना सबको कैसे आया कि साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा अपने आप में भी ये क्या है? फंक्शन है. तो मैं यहां पे लिख दूंगा 5x4. गलती से भी ये एंगल के अंदर ना ले जाना. नाउ इट इज एक्टिंग एज अ वेरिएबल और ये क्या है? एंगल. किसका एंगल? साइन एंगल. क्या ये बात समझ आई? प्लस ये एज इट इज दैट ओके? कॉस थीटा, यहां कॉस स्क्वायर नहीं है, क्या है? सिर्फ कॉस है. कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? क्या बात समझ आई? यस और नो? एक अच्छा काम हमेशा रखना, जो वेरिएबल पार्ट है एलजेब्रिक पार्ट है उसको आगे रखना हमेशा, ट्रिग्नो पार्ट पीछे. ये एक रूल भी होता है, हम सीखेंगे ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, आईलेट रूल. आईलेट में आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथम्स, A stands for algebraic, T stands for trigono, and E stands for exponential. तो algebraic उसके according पहले आता है. Is that clear? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? वरना पता क्या है? बहुत बच्चे इसको मर्ज करते हैं और वहां क्वेश्चन गलत होते हैं. 5x4 कहां आ गया? इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 2x5. Is that okay? इधर माइनस 3x2 साइन स्क्वायर एक्स 5 इंटू साइन एक्स क्यू, दैट इज आवर आंसर. क्या बात समझ आई जी? आंसर गलत नहीं होगा, मे बी उसकी फॉर्म चेंज की होगी. वेट, क्वेश्चन कहां पे है? ये रहा सेलिब्रेट ऑफ ऑर्बिटेंस एक्स 4. बताओ क्या किया उन्होंने? उन्होंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स वो नहीं किया. अच्छा, समझ गए कि नहीं समझ गए? बेटे 2 साइन एक्स कॉस एक्स आना था ना, तो साइन हमने 2 थीटा कर दिया, उसने कॉस एक्स टेन एक्स फोर लिखा. हाँ वो 2 आ गया ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का 2 मल्टीप्लाई 5 से.
समझ गए कि नहीं? परफेक्टली फाइन। cos x 5 होगा ना बेटे, वो इधर मिस। अब समझो अगर मैं उसमें ऐसे करूं, आ जाओ अगर उसमें ऐसे करूं किसी चीज को, वो भी समझ लेते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं इसको अभी क्लियर हो गया, ठीक है? दिस इज फॉर यू एज अ मेथड वन। अनदर मेथड क्या बनेगा अब समझना इसको। cos x 5 एज इट इज, cos x 3 सॉरी, हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 sin theta इंटू cos थीटा। क्यों? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos, cos x 5 इंटू x 5 का डेरिवेटिव। अब उन्होंने जो आंसर में लिखा है वो 5x4 और 2 को क्या कर दिया 10x4, वो मिसिंग हो फॉर श्योर। आगे प्लस, अब इधर आ जाओ, इधर तो कोई चेंज नहीं, यस और नो? साइन स्क्वायर एक्स फाइव इंटू, इधर आ गया कॉस का क्या आया बेटा, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x2, यस और नो? अब ध्यान से देखिएगा, इसने 2 को और 5x4 को मल्टीप्लाई करके क्या बना लिया 10x4। यहां वहां मिसप्रिंटिंग है, उसके अंदर वो चेंज कर लेना, कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स फाइव कॉस एक्स फाइव, आई थी कॉस एक्स फाइव मिसिंग होगा, ठीक है? और ये इधर सेम आ गया 3x2 साइन स्क्वायर एक्स फाइव इंटू साइन एक्स क्यूब, दैट्स नाइन। समझ गए कि नहीं? तो मैंने उसी चीज को डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा जब भी आएगा आंसर क्या होगा डेरिवेटिव साइन टू थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जब भी आएगा आंसर क्या होगा माइनस साइन टू। अंडरस्टैंडेबल? तो दोनों आंसर तो आपके पास है, यू कैन ऑप्ट इन, प्लीज।